हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोलती मूवी। आई एम जय। दोस्तों, मैंने जॉन विक चैप्टर 4 नाम की मूवी देखी। ये 2023 की वन ऑफ द बेस्ट मास मसाला एक्शन फिल्म है, ये तो गारंटी है। और पिछली जो जॉन विक की जो फ्रेंचाइजी है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट है, उसमें जो एक्शन है, इसमें भी सेम स्टोरी है, सेम एक्शन है। सभी लोग टूट पड़ते हैं जॉन विक को ढूंढने के लिए, फिर उसको मारते हैं और वो खुद ही मर जाते हैं। बाकी स्टोरी तो हम सबको पता है। मूवी के बारे में बात करूँ तो पहला पॉइंट, डोनी येन, उसका जो एक्शन है भाई वाह, मज़ा आ गया। बहुत ही गजब का सिंपल, और ज़्यादा हार्डवर्क ना करते हुए स्मार्टली सबको जो मारता है वो एक देखने लायक है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट मुझे वो लगा कि उसको ब्लाइंड क्यों रखा। अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है तो सही है, लेकिन तो भी कई जगह पर मुझे डोनी येन का ब्लाइंड जैसा मुझे दिखा ही नहीं। कई सारे एक्शन मूव्स ऐसे थे जिसमें मुझे लग रहा था कि वो चश्मे में से देख रहा है। और लिटरली मेरे ख्याल से आप सबको भी लगा होगा, अगर लगा है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। बाकी इस मूवी का जो सेट है वो काफ़ी अच्छा सेट्स लिया गए। जितनी जगह पर वो एक्शन करता है, जितनी जगह पर वो विलन्स को और सबको मारता है, वो जगह काफ़ी अच्छी है। कैमरा एंगल्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको दो कैमरा एंगल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। एक था कि जब जॉन विक शावर में एक विलन को मारता है, और उसमें जो कैमरा एंगल लिया है भाई वाह, गजब का एंगल था। और दूसरा एंगल, स्ट्रीट पर जॉन विक के पास कार है, और वो कार घुमा घुमा के जो मारता है, सर्कल शेप में वो घुमाता है, और फिर जो लोगों पे जो गोली चलाता है, वो सीन गजब का लिया गया है। बाकी इस मूवी में जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी अच्छे हैं। दो तीन जगह का तो बहुत ही मज़ेदार आर्किटेक्चर था, मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन आप ये मूवी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी इसमें जो बुलेट प्रूफ सूट है भाई वाह, सभी कैरेक्टर्स को ये सूट इतना जचता है। सिंपल कलर्स, सिंपल फिटिंग्स, लेकिन बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी। हाँ, कई दो तीन जगह पर आपको बोरिंग होगी, लेकिन अच्छा है मूवी। क्लाइमेक्स यूनिक नहीं है, हमने हॉलीवुड में बहुत सारे मूवीज में ऐसे क्लाइमेक्स देखे हैं, लेकिन अच्छा लगेगा आपको। और लास्ट में जो जॉन विक मर जाता है वो एक सैड पार्ट है, लेकिन मुझे अभी भी लगता नहीं है कि भाई ये जॉन विक मरेगा, क्योंकि जैसे मिशन इम्पॉसिबल में कई कई पार्ट में जो टॉम क्रूज मर जाता है और फिर से जिंदा होता है, ऐसे ही मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि डायरेक्टर ने तो लास्ट में ऐसे ही कहा, ऐसे ही दिखाया है कि जॉन विक मर गया, उसकी कब्र भी दिखाई गई है। लेकिन मैं अभी भी मुझे इसमें यकीन नहीं है, शायद फिफ्थ पार्ट भी आ सकता है, देखते क्या होता है। बाकी ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी, और इस मूवी का जो विलन है वो एक मज़ेदार कैरेक्टर है। कई जगह पर मुझे लगा कि वो ओवर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन कई जगह पर हमको ऐसे भी लगेगा कि ना, वी विल लव टू हेट हिम, क्योंकि उसकी बहुत सारी जगह पर, एक जगह था जब वो एक बंदे को जो चाकू घुसाता है उसके हाथ पर, वो सीन जबरदस्त था, यूनिक था, और मज़ा भी आया। ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी। 3.5 स्टार ऑफ 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में।